An unknown compound A has a molecular formula C4H6. Okay. When A is treated with excess of Br2, a new substance B with formula C4H6Br4 is formed. ठीक है. A forms white PPT with ammonical silver nitrate solution. अगर ये ammonical silver nitrate के साथ PPT दे रहा है और C4H6 बताइए क्या है? C4H6 क्या हो जाएगा? भाई कौन से फॉर्मूले से मैच करेगा? CnH2n-2 इस वाले फॉर्मूले से मैच करेगा. और अगर इस वाले फॉर्मूले से मैच करेगा मतलब ये एल्काइन ही होने वाला है. और एल्काइन है अगर तो टर्मिनल एल्काइन्स AgNO3 के साथ क्या करेगा? व्हाइट पीपीटी देगा. कितने कार्बन का टर्मिनल एल्काइन आपको बनाना है? 4 कार्बन का टर्मिनल एल्काइन आपको बनाना है. तो आंसर क्या हो जाएगा? Bute-1-ion. क्लियर हुआ क्या? देखिए रिएक्शन कैसी होगी. CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपके पास Bute-1-ion और आपने इसको ट्रीट किया हुआ एक्सेस ऑफ Br2 के साथ. एक्सेस ऑफ Br2 के साथ ट्रीट करिए, आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डबल बॉन्ड तोड़िए Br-Br, डबल बॉन्ड तोड़िए Br-Br, तो मिल जाएगा CH3 CH2 C. इधर रहे Br, इधर भी है Br, सिंगल बॉन्ड CBr-Br, H यहाँ लगा हुआ था. क्लियर? और ये बन गया आपका C4H6Br, 3, 2, 5 और 1, 6. ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनेगा. और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अगर उसने बोल दिया कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो क्या दे रहा है? पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब एल्काइन है. और कौन सा एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन है. क्लियर?